गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 5 इन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एज पावर, फोर्ट एंड स्केर्ड प्लेसेस। हिस्टोरिकल मोमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजियंस एंड सेक्युलर। दीज मॉन्यूमेंट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिवल पीरियड। दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल। दे गिव इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल्स एंड टेक्निक यूज्ड। द लैविश प्लेसेस एंड गार्डन बियर विटनेस टू द एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स। दे ऑल्सो रिवील द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। द फोर्ट एग्जिबिट द इंटेलिजेंस एंड डिफेंस टेक्निक ऑफ द रूलर्स। द इंस्क्रिप्शन एंड द कैलियोग्राफी ऑन द मॉन्यूमेंट टेल अस अबाउट द बिल्डर्स एंड हिज रीजन, समटाइम इवन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिलीजियस और एक सेक्युलर, यानी कि धर्म निरपेक्ष। ये जो मॉन्यूमेंट होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं मिडिवल पीरियड के बारे में, और ये हमें बताते हैं कि उस तरह लोगों उस समय लोगों के कैसे धर्मों में विश्वास था। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस समय कैसी टेक्निक और मटेरियल का यूज़ हुआ था, और उस समय के जो राजाओं की लाइफ स्टाइल थी उसमें कितना फिजूल खर्च हुआ करता था, किस तरह वो बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन बिताते थे। और इससे हमें फोर्ट से और टेम्पल से ये पता चलता है कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, और जो वहाँ के किले हैं वो बिल्कुल देखने योग्य हैं, और इससे उस समय के राजाओं की जो डिफेंस टेक्निक थी उसका हमें पता चलता है कि वो कितने बुद्धिमान थे और उन्होंने किस तरह से अपने किलों का निर्माण किया। और जो किलों में इंस्क्रिप्शन और कैलियोग्राफी यानी लकड़ी का जो खुदाई हुई है वो हमें बताते हैं कि उस समय के जो बिल्डर थे उस राज्य के वो कितने कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने कितनी सुंदर नक्काशी की है, और उस समय के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको भी नक्काशी के तौर पर उतारा गया है। Temples of medieval period. Among all the monuments in India, the most enchanting are the Hindus' temple, which were built during the medieval period. Regardless of their size, the temples can be identified by their unique character features. These temples are ageless and present an endless variety of exquisite stone carving. They give us a glance into the society of the medieval period. There is a symbolic meaning in the sculpture of these temples. जो ये मॉन्यूमेंट उस समय के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ही हिंदूस टेम्पल जो मिडिवल पीरियड में बने हैं वो बहुत ही करामाती यानी देखने योग्य हैं। उनका जो साइज है वो ऐसा लगता है कि उन्हें साइज की कोई परवाह नहीं थी, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े उस समय टेम्पल बनाए और उसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, और ये ऐसे आज भी लगते हैं जैसे कि ये एजलेस और एंडलेस हैं, और बहुत ही उसमें सुंदर स्टोन कार्विंग यानी पत्थर की नक्काशी की गई है, और उसकी जो एक झलक है वो भी उस समय मिडिवल पीरियड की सोसाइटी को दर्शाती है। और ये जो टेम्पल्स हैं वो एक प्रतीकात्मक मीनिंग्स हैं नक्काशी का, जैसे कि द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल इन सेंटर इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। दीज 10th और 11th सेंचुरी टेम्पल्स रिप्रेजेंट रिलीजियसिटी, पार्टनेस, आर्टिस्ट जीनियस एंड एथेसिक सेंसिबिलिटी, ऑल एट वंस बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंदेला। द टेम्पल belong to the Shivam and Vaishnavism. They are dedicated to Lord Shiva and Lord Vishnu. The
कंद्रिया महादेवा टेम्पल इज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। इट हैज अबाउट 900 स्टैचू एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर मेड ऑफ सैंड स्टोन विद आउट ऑफ आउट द यूज ऑफ मोर्टार। जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है सेंटर इंडिया का, वो एक इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि 10 to 11 सेंचुरी में बनाया गया था। और ये एक धार्मिकता, संरक्षण और आर्ट का बहुत ही सुंदर नमूना है। और ऐसा माना जाता है कि ये चंदेला राजाओं के वंश का बना हुआ है। और ये जो टेम्पल है, शिव, भगवान शिव और विष्णु जी को डेडिकेटेड है। इसी तरह एक कंद्रिया महादेव टेम्पल है, वो भी बहुत बड़ा मंदिर है। और ये इसी तरह के एग्जाम्पल का एक बेस्ट उदाहरण है। और इसमें जो है 900 स्टैचू हैं। ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। और जो खजुराहो के टेम्पल के मंदिर की जो मूर्तियां हैं, वो सैंडस्टोन और मोर्टार का उसमें यूज किया गया है। ओडिशा इज द लैंड ऑफ टेम्पल। इट इज सैड दैट देयर आर मोर टेम्पल ऑफ उड़ीसा देन देयर आर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर होल्ड ए मैग्नेटिक अपील। भुवनेश्वर, कोणार्क एंड पुरी कॉन्स्टिट्यूट द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा जो है उसे लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक जगह पर, जगह जगह पर मंदिर पाए जाते हैं। उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो आर्किटेक्चर में एक मैग्नेटिक अपील करते हैं, यानी केंद्र, आकर्षण का केंद्र है। भुवनेश्वर, कोणार्क और जो पुरी है उसे, ये तीनों मंदिरों को गोल्डन ट्राइंगल ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। द लिंग राज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर इज ए वेरी फेमस टेम्पल। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 617 to 657 CE। इट राइज टू ए हाइट ऑफ 180 feet एंड इज स्प्रेड ओवर 10 miles। द प्रेजिडिंग डेलिटी ऑफ द टेम्पल इज द स्वयंभू लिंगा विच इज हाफ शिवा एंड हाफ विष्णु। इट इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ द टेम्पल। द सैंड टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द गंगा डायनेस्टी। इट इज फैशन्ड इन द फॉर्म ऑफ द कैरियर ऑफ द सन गॉड ड्रॉन बाय 7 spirited हॉर्स। द कैरियर हैज 24 wheels ईच अबाउट लेफ्ट इन डायमीटर विद एलोब्रेट कार्विंग। जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, वो एक फेमस टेम्पल है जो कि 657 समय में बना था। इसकी जो हाइट है वो 180 फीट है और ये लगभग 10 मील दूर तक फैला हुआ है। और ये भगवान स्वयंभू लिंगा का टेम्पल है। इसमें जो मूर्ति है उसमें हाफ शिव भगवान है और हाफ विष्णु भगवान है। ये एक टेम्पल का यूनिक फीचर्स है। और यहीं पर सन टेम्पल है कोणार्क में, जो कि राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट प्रथम ने, जो कि गंगा वंश के थे, उन्होंने बनवाया था। इसमें जो है सूर्य भगवान 7 घोड़ों के रथ पर सवार है और जो रथ है उस पर 24 पहिए लगे हुए हैं। और जो इनका डायमीटर है उस पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत लकड़ी की खुदाई की गई है। द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी बिल्ट इन द 12th century इज अनदर मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर। द मॉन्यूमेंट स्टैंड ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म। द कॉम्प्लेक्स कंटेन अबाउट 120 टेम्पल एंड शिरीन एंड द शिखर ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल सोर्स टू ए हाइट ऑफ 192 feet। स्ट्रक्चरली द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ 4 chambers। जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है वो 12th century में बनाया गया था। ये भी आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस का उदाहरण है। ये जो हाई प्लेटफॉर्म पर बना हुआ ये मॉन्यूमेंट है और इसमें कम से कम 120 टेम्पल्स हैं जो कि धार्मिक स्थल हैं। और जो जगन्नाथ
मंदिर का जो शिखर है उसकी हाइट लगभग 192 फीट है, और ये इस टेंपल में कम से कम जो है ये 4 चैम्बर्स इसमें स्थित हैं। इन द साउथ द ब्यूटिफुल मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई इज वेरी फेमस। इट हैज 985 रिचली कार्व्ड पिलर। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड गोपुरम एंड मंदापुरम कर्व्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम विद मल्टी कलर्ड इमेजेस ऑफ गॉड गॉडेस एनिमल एंड माइथिकल फिगर्स। द बृहद बृहदीश्वरा टेम्पल एट तंजोर वॉज बिल्ट बाय द चोलाज रूलर राज राजा फर्स्ट। इट हैज़ टू हेवनली स्क्रप्चर्ड गेटवे और गोपुरम। द मेन श्रीन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यू क्वाड्रिल क्वाड्रेंगल। जो इस साउथ में जो एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल टेम्पल है मदुरई में, जो कि मीनाक्षी टेम्पल है, इसमें जो है 985 पिलर्स हैं नक्काशी किए हुए, और ये जो है आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये इसमें जो है गोपुरम और मंडपुरम कवर्ड है ये टॉप से बॉटम तक, जिसमें कि बहुत ही मल्टी कलर में भगवान की देवी देवताओं की एनिमल्स की और कुछ काल्पनिक फिगर्स बनी हुई हैं। एक दूसरा मंदिर है बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये चोल वंश के राजा राजा राज ने बनवाया, प्रथम ने बनवाया था, और इसमें भी दो बहुत ही हैवी स्ट्रक मूर्तियां हैं गेटवे और गोपुरम, और ये इसका जो आंगन है सेंटर में वो बहुत ही बड़ा है। इस्लामिक आर्किटेक्चर। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज इन्वेडेड बाय द मुस्लिम इन द 8th सेंचुरी CE। हावेवर इस्लामिक आर्किटेक्चर कम इन ओनली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। द आउटब्रस्ट ऑफ आर्किटेक्चुरल एक्टिविटी वॉज ए ब्लेंड टू द ऑफ द लोकल इंडियन स्टाइल विद द इस्लामिक स्टाइल। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड कैन बी कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ द मिडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी द इम्पीरियल स्टाइल एंड द मुगल स्टाइल। जो इंडियन उपमहाद्वीप है इसमें 8th सेंचुरी में मुस्लिमों का बहुत आक्रमण रहा, जिसके कारण जो है इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था वो हमारे देश में लगभग हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में आया। आर्किटेक्चर का जो मिश इसमें जो स्टार्टिंग में जो आर्किटेक्चर था मुस्लिम इस्लामिक आर्किटेक्चर वो जो था मिश्रण था इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का, और इस समय का जो आर्किटेक्चर था मिडिवल पीरियड में वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया, और इस ये टू कैटेगरी में डिवाइड था। फर्स्ट थी इम्पीरियल स्टाइल एंड सेकेंड थी मुगल स्टाइल। द न्यू मुगल रूलर रिक्वायर्ड रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। दे कंस्ट्रक्टेड मैनी बिल्डिंग्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर। नो ह्यूमन और एनिमल फिगर वर यूज्ड इन देयर बिल्डिंग सिंस इट वॉज अगेंस्ट इस्लामिक बिलीफ। जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने अपने रहने के लिए और वर्शिप के लिए बहुत से बिल्डिंग्स बनाई और एक नए आर्किटेक्चर को जन्म दिया, जिसमें कि किसी भी मनुष्य की या एनिमल की कोई भी फिगर उसमें नहीं बनाई गई, जो कि इस्लामिक विश्वास के खिलाफ था। दे एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग बाय यूजिंग रेड स्टोन सैंडस्टोन। द सल्तनत इंट्रोड्यूस टू न्यू आर्किटेक्चुरल आइडियाज द डॉम्स एंड द पीरियड पॉइंटेड आर्क। द डॉम्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेकोरेटिव स्ट्रक्चर इन इस्लामिक बिल्डिंग एंड वॉज सून इम्प्लीमेंट इन देयर अदर स्ट्रक्चर एज वेल। द यूज ऑफ द डॉम एंड द आर्क हैड मैनी एडवांटेज। द डॉम प्रोवाइड ए प्लेजिंग स्काईलाइन। द मोस्ट फेमस एंड सिग्निफिकेंट बिल्डिंग वॉज द कुतुब मीनार बिल्ट ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। इट स्टैंड एडजेंट टू द क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू।
द कुतुब मीनार इज यूनिक इन मैनी वे. इल्तुतमिश टॉम्ब बिल्ट नियर द एंड ऑफ दिस रीजन एज एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशनल ऑफ आर्किटेक्चर. द खिलजी पीरियड सॉ ए लॉट बिल्डिंग एक्टिविटी. अलाउद्दीन बिल्ट हिज कैपिटल एट सीरी. ही ऑल्सो बिल्ट द अलाई दरवाजा विच हैज मैनी नॉवेल फीचर्स इंक्लूडिंग द हॉर्स शू आर्च. मॉस्क्यू आर्किटेक्चर ऑल्सो डेवलप्ड. द जमात खाना मॉस्क्यू वॉज द बिल्ड एट द मोनिसलम ऑफ संत निजामुद्दीन ओलिया. द बिल्डिंग बिल्ट बाय द लोधीज हैड हायर डॉम्स. जो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था उसमें जो रेड सैंडस्टोन का बहुत यूज़ किया गया. और इन्होंने एक न्यू आर्किटेक्चर आइडिया जिसमें कि गुंबद और पॉइंटेड आर्च बनाए गए इसको इंट्रोड्यूस किया. इसके बाद ये बहुत सी इस्लामिक बिल्डिंग पर लागू कर दिया गया कि डॉम्स और आर्च पॉइंटेड आर्च बनाना ज़रूरी है. और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी थे. जो डॉम्स यानी कि गुंबद थे वो आपको एक स्काईलाइन प्रोवाइड करते थे. और मोस्ट इसका एक उदाहरण है कुतुब मीनार बिल्डिंग जो कि 13th century में बनी हुई है और इसी से सटा हुआ है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू. और कुतुब मीनार कई मायनों में एक अपने आप में एक यूनिक मॉन्यूमेंट है. इल्तुतमिश का जो टॉम है वो भी इसी रीजन में बना है, इसी समय बना है और जो कि एक हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का मिश्र रूप है. खिलजी पीरियड में बहुत सी बिल्डिंग एक्टिविटी देखी गई. अलाउद्दीन ने अपनी जो कैपिटल थी वो सीरी बना ली. उसके बाद उन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया जो कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है. और मॉस्क्यू आर्किटेक्चर जो था वो इस समय डेवलप्ड हुआ. इसमें कि जमात खाना मॉस्क्यू है और ये समाधि है निज़ामुद्दीन औलिया की. और इस समय जो थी वो बिल्डिंग्स में जो लोधी थे उन्होंने भी बहुत हाई डॉम्स यानी कि गुंबद अपने समय में बनवाए. ऑल्सो द डबल डॉम अपेयर्ड इन द टॉम ऑफ सिकंदर लोधी. द लोधीज also placed their building on high platform thus giving a feeling of size as well as a better skyline. The Lodi's garden in Delhi has a fine example. Double dome jo tha uska ek udharan hai टॉम ऑफ सिकंदर लोधी की जो है उसका. लोधीज ने जो है वो हाई प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग्स बनाई जिसका जो साइज था वो पहले से भी और ऊंचा था. लोधी गार्डन जो कि दिल्ली में है वो इसका एक फाइन एग्जाम्पल है. अब है आपका मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर वॉज ए ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक एंड पर्सियन स्टाइल. द मुगल्स बिल्ट मैग्निफिकेंट प्लेसेस फोर्ट गेट एंड पब्लिक बिल्डिंग लाइक सराय मॉस्क्यू एंड बायलीज. दे लेड मैनी गार्डन विद रनिंग वाटर. मुगल आर्किटेक्चर जो था वो एक इंडो इस्लामिक और पर्सियन इस्लामिक का मिश्रण था. मुगलों ने बहुत सुंदर महल बनाए, किले बनवाए और पब्लिक बिल्डिंग बनाई जैसे कि सराय मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद और बायलीज. और इसके इनकी जो गार्डन्स थे उसमें रनिंग वाटर हुआ करता था. बार्बर हैड ए फाइन एस्थेटिक टेस्ट. ही लेड द फेमस गार्डन इन लाहौर एंड आगरा. द पुराना किला एंड रेड फोर्ट इज ए मैसिव स्ट्रक्चर विद वॉल ऑफ ग्रे सैंड स्टोन एंड एन इम्प्रेसिव गेटवे ऑफ रेड स्टोन सैंड स्टोन विद वाइट मार्बल इन ले वर्क. The real phase of Mughal architecture began with Akbar. He wanted to bring in the fine architecture, traditional, exciting within the country. Akbar built his magnificent tomb at Sikandrabad. Within the Agra fort, the Jahangiri Mahal is the most notable architecture of Akbar's time. He also laid the foundation of a new city and palace complex near
सीकरी, मैनी पैलेस एंड पब्लिक बिल्डिंग वर पुट अप इन फतेहपुर सीकरी. द वूल कॉम्प्लेक्स वॉज ऑन टॉप ऑफ ए हिल बाय द साइड ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक. वन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इज द पंच महल. द जामा मस्जिद इज ऑल्सो ए मैग्निफिकेंट बिल्डिंग. वन ऑन वन साइड इज ए मैसिव गेट वे कॉल्ड द बुलंद दरवाजा. दिस वॉज बिल्ट बाय अकबर इन 1575 टू कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात. मॉस्क्यू बिल्डिंग ऑल्सो रीच इड क्लाइमैक्स अंडर शाहजहाँ. द मोती मस्जिद इज आगरा फोर्ट इज बिल्ट एंटायरली ऑफ वाइट मार्बल एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली इज बिल्ट ऑफ रेड सैंड स्टोन. बाबर जो था उनका जो सौंदर्य जो उनका आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल सौंदर्यपूर्ण था. और वो उन्होंने कई फेमस गार्डन बनाए जो कि लाहौर और आगरा में स्थित हैं. पुराना किला या लाल किला जिसे हम कहते हैं वो उसका एक बड़ा उदाहरण है जो कि ग्रे स्टोन का बना हुआ है. ये इसके बाद जो है रियल फेज ऑफ जो रियल मुगल आर्किटेक्चर था वो अकबर के साथ शुरू हुआ. उन्होंने बहुत सी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स बनवाई. अकबर ने जो है का जो एक टॉम है वो सिकंदरा है. और आगरा फोर्ट बनाया जहाँ पर कि जहांगीरी महल है वो बहुत ही सुंदर है अकबर के टाइम का. और उन्होंने एक नए शहर का निर्माण किया जिसे सीकरी कहा गया. और वहाँ पर बहुत सी प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं फतेहपुर सीकरी में जहाँ लोग जाकर उसे देख सकते हैं. और एक बहुत बड़ा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि हिल के ऊपर है. और उन्होंने आर्टिफिशियल वहाँ पर लेक बनाई जैसे जो कि पंच महल एक बहुत ही सुंदर जगह है उसमें आर्टिफिशियल लेक है. जामा मस्जिद एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है. इसमें वन साइड पर एक मैसिव गेटवे है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा जो कि इतिहास में बहुत ही महत्व रखती है जिसे अकबर ने 1575 में अपनी गुजरात पर जो विक्ट्री विजय थी उसके खुशी में बनाया था. और ऐसी मस्जिद हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर हैं जो शाहजहां ने बनवाई थी जैसे कि मोती मस्जिद है, आगरा फोर्ट है ये बिल्कुल वाइट मार्बल का बना है और जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो रेड सैंड स्टोन की बनी हुई है. अब नेक्स्ट है बायलुइज. बायलुइज वर स्टेप वेल बिल्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. बायलुइज जो है वो एक तरह का छोटा सा कुआं होते हैं जो कि मिडिवल पीरियड में बनाया गया था. These were built for a constant supply of water to the city. They served as center to of community activity where people gathered to cool off and socialize. These bowlies were unique and grand in their structure. They are inclined surrounding passageway, chamber and steps which provide access to the well. There are over 300 bowlies in Delhi but they are not इन रूइन नाउ. जो ये बायलीज हैं इससे वाटर का सप्लाई होता था पुराने समय में शहरों में. और क्योंकि इससे जो है लोगों को पानी सप्लाई किया जाता था समाज में. और बायलीज अपने आप में एक यूनिक फीचर था और एक बहुत बड़ा फीचर्स था जिससे कि पानी सप्लाई किया जाता था चैम्बरों के द्वारा और पाइपों के द्वारा कुओं तक ये पहुँचाया जाता था. और दिल्ली में जो है लगभग 300 बायलीज थी जो कि अब समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं. हवेलीज. मैनी हवेलीज वर बिल्ट स्पेशली इन राजस्थान. दे गिव ए ग्लिम्पस ऑफ द ग्लोरी एंड ग्रैंडवेयर ऑफ दिस पीरियड. दे वर विटनेस ऑफ द रॉयल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान. रिच मर्चेंट किंग एंड नोबल्स बिल्ट द हवेलीज.
These Havelis showcase Rajput architecture and show how different it was from Mughal architecture. Havelis जो हैं वो राजस्थान में स्पेशली बनाई जाती थी. ये एक झलक देती हैं उस समय की आन और शान का. ये विटनेस है उस समय की रॉयल हिस्ट्री का जो कि राजस्थान की रही है. और रिच मर्चेंट किंग और नोबल्स जो होते थे वही केवल हवेली का निर्माण कराते थे. उस समय के राजपूतों का जो आर्किटेक्चर है जो उनकी भव्यता थी वो इस हवेली के द्वारा प्रदर्शित होती है. मेटीरियल यूज्ड द जीनियस ऑफ आर्किटेक्चर राइज आउट ऑफ द सेंसिटिव हेल्डिंग ऑफ मटीरियल इन मिडिवल आर्किटेक्चर मेटीरियल टेक्निक एंड डिजाइन वर कम्बाइंड इन टू ए परफेक्ट यूनियन. स्टोन वॉज लार्जली यूज एज बिल्डिंग मटीरियल. इट वॉज ड्यूरेबल एंड मैनी ऑफ स्टोन मोन्यूमेंट हैव सर्वाइव टिल टूडे. टू होल्ड द स्टोन टूगेदर ए स्ट्रॉन्ग सीमेंट मटीरियल नोन एज मोर्टार वर यूज. द तुगलक यूज द इजिली अवेलेबल ग्रे सैंड स्टोन. द अर्लियर मुगल बिल्डिंग्स यूज रेड सैंड स्टोन येलो सैंड स्टोन एंड मार्बल वर यूज फॉर डेकोरेशन एंड टू ब्रिंग आउट द कलर ऑफ रेड सैंड स्टोन. मार्बल वॉज इन क्रिजलिंग यूज बाय द मुगल. शाहजहां favored white marble in all his building. The Mughals also used precious stone in mosaic work to adorn their lavish monument. जो जीनियस आर्किटेक्चर था वो उनके मटेरियल पर डिपेंड करता था. और जो मिडिवल आर्किटेक्चर था उसमें मटेरियल टेक्निक और डिज़ाइन जो थे वो परफेक्ट थे. स्टोन उसमें लार्जली यूज्ड होता था कीमती पत्थर. और उनका जो स्टोन मॉन्यूमेंट्स थे वो भी आज तक हमारे देखने योग्य हैं. और स्टोन जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग सीमेंट से जड़े होते थे जिसे मोर्टार कहा जाता था. तुगलक जो थे उन्होंने जो है ग्रे सैंड स्टोन को यूज़ किया क्योंकि वो उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाता था. और पुराने समय में मुगल्स जो थे वो बिल्डिंग में अपने रेड सैंड स्टोन येलो सैंड स्टोन को यूज़ करते थे या मार्बल को यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए. और कलर के लिए रेड सैंड स्टोन का यूज़ करते थे. मार्बल को उन्होंने मुगल्स ने बहुत ही यूज़ किया. शाहजहां थे उनका जो फेवरेट था वो वाइट मार्बल था. उनकी जो बनाई गई ज़्यादातर बिल्डिंग है उनमें वाइट मार्बल यूज़ है. मुगल्स ने जो है अपनी बिल्डिंग्स को सजाने के लिए बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स का भी यूज़ किया है. ओके स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. गुड बाय.